हमीरपुर जिला की भोरंज में एक मामला सामने आया है, जिसमें राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते आज एक बुजुर्ग को अपनी ही जमीन से कब्जा छुड़वाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। अपनी जमीन छुड़वाने के लिए मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा चुके अनंत राम के अनुसार मुख्यमंत्री से भी आश्वासन मिलने के बावजूद विभाग आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं ला रहा है। गौरतलब है कि भोरंज उपमंडल के तहत मुंडकर के निवासी अनंत राम की जमीन से गांव वालों ने संपर्क मार्ग निकाल दिया था, जिसको लेकर अनंत राम ने दो बार कोर्ट में मामला दायर किया और दोनों ही बार फैसला अनंत राम के पक्ष में आया, लेकिन राजस्व विभाग को पुलिस विभाग ने कार्यवाही नहीं की। बाद में अनंत राम ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गुहार लगाई थी कि उन्हें उनका हक दिलवाया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र जारी किया कि उनकी जमीन के मुद्दे को हल करने के लिए विभाग को कहा गया, लेकिन विभाग ने उसको भी दरकिनार कर दिया। अनंत राम ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि हर जगह अपनी जमीन को छुड़वाने के लिए गुहार लगा चुका हूं, लेकिन सरकारी अधिकारी कोर्ट के फैसले को भी नहीं मान रहे हैं, जिस कारण उनकी जमीन बर्बाद हो रही है। उन्होंने बताया कि जब भी वह लोगों को रास्ते से जाने से रोकते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, जिससे कि उनकी जान को भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने सरकार व जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी जमीन से नाजायज कब्जे को हटाया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए, ताकि वह अपनी जमीन पर खेती कर सके। इस जमीन के ऊपर लिंक रोड बनाने के लिए लोगों ने नाजायज और गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। गांव के लोगों ने मेरी जमीन के ऊपर लिंक रोड मुंडखर जाओ बनाने के लिए नाजायज और गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। मैं अपनी जमीन का खुद काश्तकार और मालिक हूँ। जब पंचायत ने जबरदस्ती सन 1998 सड़क बनानी शुरू की थी, तो उस वक्त सन 98 में मैंने डीसी साहब ग्राम पंचायत मुंडखर और सेक्रेटरी ग्राम पंचायत शिमला के विरुद्ध मुकदमा किया था। उसके बाद अदालत ने सीनियर सब जज हमीरपुर ने मेरी ज़मीन पर किसी किस्म की सड़क बनाने पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके बावजूद गांव के लोगों ने मेरी ज़मीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, पत्थर डाल दिए, मेरे मतलब दरख्त काट दिए थे और मेरे ऊपर जानी हमला किया, मेरे जान का खतरा पैदा कर दिया और मेरे मुझे मारने के लिए बाहर से बंदे बुलाए गए। उन 7 आदमियों के विरुद्ध मैंने मतलब 12 जनवरी सन 14 दे विच मुकदमा किया था, जो कि अदालत ने 27/3/2017 को मेरे हक में फैसला दिया हुआ है। मेरी भूमि में किसी किस्म की लिंक रोड नहीं बनाई जाए, पूरी पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने सरकार को एप्लीकेशन दी, उन्होंने ऑर्डर दिए, लेकिन जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एसटीएम भोरंज और डीसी साहब कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि मेरी ज़मीन के ऊपर पूरी पाबंदी लगी हुई है। तो लोग मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती मतलब जीपें कारें चला रहे हैं और मेरी फसल बर्बाद कर रहे हैं और मैंने जान का खतरा पैदा कर रहे हैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं सुन रहे हैं, सरकार कोई मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रही, अदालत के फैसले और हिमाचल सरकार के ऑर्डर के मुताबिक भी मेरी ज़मीन से नाजायज कब्जा ख़त्म नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं मेरी ज़मीन से जो नाजायज कब्जा है वो खत्म पुलिस द्वारा ख़त्म कराया जाए।